नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि श्रीवास्तव। संभल के मवई ढोल में जमकर पथराव हुआ है, इसके साथ ही बंदूकों के गरजने की भी आवाजें सुनाई दी है। आपको बता दें कि फायरिंग की आवाज से लोगों में दहशत का माहौल है। खबरों की माने तो दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद बवाल मच गया, तो वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस मामले पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उनको अरेस्ट भी कर लिया। दोनों तरफ से पथराव और लाठी डंडे चले हैं। दोनों तरफ से FIR दर्ज कर रही है। करीबन 6 मुलजिम गिरफ्तार, दोनों तरफ से 6 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसे आइडेंटिफाई करके कुछ और भी जो क्रिमिनल्स है वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जल्दी गिरफ्तार की जाएगी। शाहजहाँपुर में SOG टीम और थाना रामचंद्र मिशन पुलिस ने अंतर्राज्यीय ई रिक्शा चोर गैंग का खुलासा किया है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 5 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए कानूनी कार्रवाई की है। खबरों की माने तो आरोपी युवक रिक्शा चालकों को कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोलियां मिलाकर पिला देते थे और उनका ई रिक्शा वहां से लेकर फरार हो जाते थे। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरों के साथ करीब 13 ई रिक्शा, अवैध अलसहा, कारतूस समेत नशीली गोलियां बरामद की है। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें ऐसा भी होता होगा कि जो गाड़ियां चोरी करके आती हैं उनकी चेसिस शायद वो इस्तेमाल करते होंगे नंबर 2 में, और उस तरह से वो गाड़ी नंबर 1 की हो जाती है। तो ये भी क्लियर करना है, क्योंकि रात की अरेस्टिंग है, तो इसमें बाकी फॉलोअप एक्शन हम लोग के द्वारा किया जा रहा है कि इसका बाद में क्या होता था। हालाँकि ये बता रहे हैं इसमें सलामत जो पकड़ा गया वो बता रहा था कि हमने सारी गाड़ियाँ एक कबाड़ी को दी है, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। IG परिक्षेत्र डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह ने पुलिस लाइन सहारनपुर का वार्षिक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि पुलिस लाइन पहुंचे IG डॉक्टर ने सबसे पहले लाइन परिसर में जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया, उसके बाद पुलिस लाइन की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त। इसके अलावा साफ सफाई के संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। यूपी के मुरादाबाद में भाजपा नेता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि भाजपा नेता ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने नेता की जमकर पिटाई कर दी। तो ही आनंद फानन में पीड़ित युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र के बरोई गांव में एक दामाद ने गुस्से में अपने सास ससुर की चाकू गोद कर निर्मम हत्या कर दी, जिसमें जख्मी सास ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बता दें कि बेटी को घर से न भेजने पर आरोपी दामाद ने सास ससुर पर चाकुओं से कई वार किए हैं, जिसके बाद आरोपी युवक की बेटी ने पति पर केस दर्ज करवाया। तो खाना उना कहीं नहीं बना के दे पे वो सौर में आ रहा, इनकी मम्मी कहीं खाना नहीं बना के दे पे वो, तो अपने हमारी मम्मी तरफ फोन करें तो मेरी मम्मी कहीं हम ले जाए भाई, तो मेरी मम्मी ले आए यहाँ हम रहा 3 महीना हो गया रहा, फिर लेवा ले गो रहा, फिर हम चले गए कहीं क्या जाओ, उसके बाद में आप पठाई दे तो ले गो ही इंतने, तो हमका कुछ खाए पैक ना लाता है, तो हम अपने मम्मी से फोन करें, हम कहें मम्मी ऐसी ऐसी बात है, तो मम्मी कहीं ले आई और कोई नहीं बात रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां एक दर्दनाक हादसा हो गया है जिसमें एक मासूम की जान चली गई। आपको बता दें कि घर की मरम्मत हो रही थी, इस दौरान पड़ोसी की छत टूटने से इस मामले में एक बच्चे की जान चली गई। तो वहीं इस दुर्घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर हरदोई के सडीला से है, जहाँ फायर स्टेशन के DG ने औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि इस निरीक्षण में अधिकारियों में डर का माहौल देखने को मिला। तो वहीं इस दौरान DG ने अभिलेखों से बातचीत कर स्टेशन पर हो रहे कार्यों की जांच पड़ताल भी की है, साथ ही कई कर्मचारियों को सुधर जाने की हिदायत तक भी दे डाली। खबर अलीगढ़ से है, जहां एक बार फिर से लेखपाल की मनमानी का मामला सामने आया है, जिसमें समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी द्वारा आयोजित जनता की फरियाद कार्यक्रम को मजाक सा बना दिया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में DM लोगों की समस्या सुनते हैं। उससे पहले प्रधान द्वारा किए गए समस्याओं के पर्चे तहसीलदार से अपने पद की हनक में फाड़ दिए, जिससे तहसील परिसर में हंगामा मच गया। खबर मैनपुरी जनपद के कुर्रा थाना क्षेत्र से है, जहां गांव तखरऊ निवासी 32 वर्षीय रूबी मिश्रा का पति रत्नेश के साथ न्यायालय में विवाद चल रहा है। करीब 1.5 साल पहले रूबी को उसके पति ने ससुराल जनों की मदद से मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद से रूबी अपनी बहन के साथ दिल्ली रह रही थी।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।